भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के मिल्की टोला गांव में मंगलवार की अपराह्न लगभग 3:30 बजे एक शनकी ने अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों की खंती खोपकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित पति लल्लू यादव को गिरफ्तार कर लिया, परंतु इसके मात्र 5 घंटे बाद रात 9 बजे वह थाने से फरार हो गया। पुलिस ने उसे विक्षिप्त मानकर थाने की हाजत में बंद नहीं किया था। उसे गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर कराया जा रहा था, उसी वक्त पुलिस के सामने से वह भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने पीछा किया परंतु नजरों से ओझल हो गया। बताया गया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर के बाहर निवस्त्र होकर घूम रहा था, उसी स्थिति में पुलिस ने उसे पकड़ा था। मृतकों में उसकी 35 वर्षीय पत्नी सीमा देवी, 8 वर्षीय पत्नी सौभ्या और मात्र 10 माह का पुत्र विवंद शामिल है। हत्या में प्रयुक्त खून से सनी खंती की घर से बरामद कर ली गई है। एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि आरोपी विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है, उससे पूछताछ से किया जा रहा है। पत्नी परेशान करती थी, इसी कारण उसने मार डाला। मंगलवार को पति लल्लू यादव, उसकी पत्नी, एक पुत्री व एक पुत्र घर पर थे, जबकि एक पुत्री मणि कुमार एवं दूसरी पुत्री सोनाक्षी कुमारी अपने बुआ के घर चांदी थाने के रामपुर गांव गए थे, इसी कारण वो सुरक्षित हैं। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।